गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में हमने समास किए थे. आशा रखती हूँ आपको समझ में आया होगा और फिर बुक में आपने लिखा भी होगा. अब हम पहला समास जो है, अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ से समास सिखाऊँ आपको, आपको अपनी वर्कबुक में जो जो समास है ना, वो अपनी जो डिफ़िकल्टी है अथवा तो देखना है वो समास कौन सा है, इसे आगे आगे लिखते जाना है. ठीक है, वर्कबुक में जब जब लेसन चलेंगे तब तब समास नहीं, अभी हम समास का टॉपिक जब जब चलाएंगे तब तब आपको होमवर्क है, ऐसा ढूंढ के रखना है. देखो जैसे आज हम पढ़ेंगे अव्ययी समास, ठीक है, तो आपको देखना है वर्कबुक में कहाँ कहाँ पर अव्ययी समास है, कौन कौन से लेसन में अव्ययी समास आते हैं. फिर लेसन की राह नहीं देखनी है कि वो तो 12th लेसन में है, 15th में है, तो तब जब मिस पढ़ाएंगे तब लिख लेंगे, या तो डाइजेस्ट में से हम लिख लेंगे, ठीक है अभी तो क्या है. ऐसा नहीं करना है, जब जब हम समास में आगे बढ़ेंगे आपको वो समास समझते जाना है और लिखते जाना है. ठीक है बेटा, अब पहला जो है अव्ययी भाव समास. जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वह शब्द अव्ययी हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. देखिए आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर ली है, क्या कहना चाहते हैं कि आपको जिस समास में पहला पद प्रधान हो जो मुख्य हो, बीजो शब्द सामासिक शब्द हो जो क्रिया विशेषणनी साथ मळतो आवतो हो, एने अव्ययी भाव समास कहवाय छे. दूसरे शब्द में अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्ययी होगा, अपने खबर से अलंकार सीखी गया से पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है, और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्ययी ही रहता है. कई रीते तो कहते के दूसरे शब्द में अव्ययी भाव का पूर्व पद और उत्तर पद के मिल जाने से समस्त पद अव्ययी रहता है. क्रिया विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका रूप किसी भी लिंग वचन या काल में प्रयोग करके पर बदलता नहीं है, वे अव्ययी कहलाते हैं. जैसे कि यहाँ इन व्याख्या को संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए. जैसे वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा, वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा. देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, बीजा शब्दों में अव्ययी भाव पूर्व पद अव्ययी थाय अने उत्तर पद मिली जाए ए पछी आखोई समस्त पद छे ई केवू थई जाए तो के अव्ययी थई जाए. ठीक छे, क्रिया विशेषण अने अविकारी शब्द जेनु रूप एटले के जे स्वरूपमां लिंग वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं एने अव्ययी समास कहेवाय छे. आ ગુજરાતીમાં કહું છું સમજવા માટે, તમારી સમજણ માટે. ઠીક છે, ઇન વ્યાખ્યાઓ કે સંદર્ભ મે નિમ્નલિખિત વાક્યો કો પઢકર સમજીએ. વહ યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરેગા, યહાં યથાશક્તિ કે નીચે અંડરલાઈન. लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है, प्रतिदिन यथाशक्ति. वह आजीवन लोगों की सेवा करता रहा, आजीवन. देखिए अब आगे हम देखेंगे समास का समस्त पद और उसका विग्रह कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ एक समस्त पद और विग्रह, आपको भी अपनी फेयर बुक में ऐसे लिखना है. ठीक है, देखिए यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, दिन दिन, आजीवन यानी कि जीवन भर जीवन पर्यंत. ठीक है, समझ में आया विद्यार्थी भाई बहन. आगे देखिए, ये देखिए उदाहरण. ठीक है, इसमें क्या है, समस्त पद है और विग्रह है. ठीक है, आपको अपनी फेसबुक में लिखना है, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है, फोटो भेज दूंगी आज. ठीक है, अथवा तो भेजी है, तो ये आपको अपनी फेसबुक में ऐसे लिखना है
दिखाती हूँ मैं, देखिए, यथा मति, मति के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथोचित, जो उचित हो, आमरण, मरण तक, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात। देखिए यहाँ पे जो आया है ना, इसलिए वहाँ मैं के इस पर मिंडा रहेगा, ठीक है, जो है वो रातों रात, रात ही रात में, बेकाम, बिना काम के, भरपेट, पेट भर के। अब निम्नलिखित अव्ययी भाव समास का विग्रह कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, देखिए, जो ये जो है आपका होमवर्क है, अभी आपको अपने हिसाब से देखकर ये लिखने हैं, ठीक है, वो आपको अपने भाव से अव्ययी भाव समास समझकर, पूर्व पद, उत्तर पद समझकर लिखना है, ठीक है। आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।